प्यारे बच्चों, मैं सुफलेश सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके YouTube चैनल गैलेक्सी क्लासेस में। आज हम लोग यूपी की यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। कल भी कुछ यूनिवर्सिटी हुई थी, पिछले वीडियो में कुछ यूनिवर्सिटी हुई थी, ठीक है, जो राजकीय यूनिवर्सिटियाँ हैं। आज हम लोग उन यूनिवर्सिटी को पढ़ेंगे जो केंद्रीय यूनिवर्सिटी हैं, और साथ ही साथ ऐसा कुछ पढ़ेंगे जिससे सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। बहुत बच्चों को बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है, वो इसलिए रहता है क्योंकि वो जानते नहीं हैं क्या होती है डीम्ड यूनिवर्सिटी, क्या होती केंद्रीय यूनिवर्सिटी, क्या होती राजकीय यूनिवर्सिटी, क्या होती राजकीय डीम्ड यूनिवर्सिटी, क्या होती है निजी यूनिवर्सिटी। अगर एक बार वो ये याद कर लेंगे तो उनको जो है सब कुछ याद हो जाएगा। तो आज देखिए थोड़ा सा यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी कि विश्वविद्यालय, ठीक है, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय कितने प्रकार के होते हैं? जैसे देखिए विश्वविद्यालय होते हैं, एक तो केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं, और दूसरे होते हैं राजकीय विश्वविद्यालय, राजकीय विश्वविद्यालय, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे कि दो सरकारें होती हैं, एक केंद्र सरकार हो गई, एक राज्य सरकार हो गई, ठीक है। दो सरकारें होती, केंद्र सरकार का मतलब जैसे मोदी हो गए, वो केंद्र में है, यानी कि पूरा राज चला रहे हैं, पूरे भारत पे राज कर रहे हैं, ठीक है, मोदी हो गए। और राज्य की अगर बात करें उत्तर प्रदेश में, तो योगी हो गए, योगी आदित्यनाथ, तो वो केवल उत्तर प्रदेश के मालिक हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हो जाती राज्य सरकार, ये हो जाती केंद्र सरकार, दो सरकार हो जाती हैं। अब इसी प्रकार से विश्वविद्यालय को भी दो कैटेगरी में बांटा गया। एक तीसरी कैटेगरी होती है डिम्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, डिम्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इसमें भी बताएंगे ये क्या होती हैं, ठीक है। तो पहले तो ये जानिए दो प्रकार की जैसे सरकारें हो गई, तो दो प्रकार की सरकारें हो गई, एक केंद्र सरकार हो गई और एक राज्य की सरकार हो गई, ठीक है। अब केंद्र सरकार में क्या होती है? संसद होती है, और राज्य सरकार में क्या होती? विधानसभा होती है। इतना तो आपने पढ़ ही लिया होगा संविधान में, ठीक है ना। तो इसी से आधारित क्या है कि देखिए केंद्रीय विश्वविद्यालय क्या है कि जिन पर जिनके नियम, ठीक है, या जिनकी स्थापना, ठीक है, संसद के द्वारा अधिनियम बना के की गई। संसद, संसद का मतलब केंद्र, ठीक है, संसद के द्वारा अधिनियम बना के की गई, संसद के द्वारा, ठीक है, अधिनियम बना के की गई है, अधिनियम, ठीक है, संसद के द्वारा अधिनियम बना के की गई है, उनको कहा जाता है केंद्रीय यूनिवर्सिटी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उस पर नियम बनाती है, ठीक है, ये चीज। और दूसरा पॉइंट इसका ये है, इनको जो है ज्यादा पैसा मिलता है, यानी कि इनको जो भी ग्रांट मिलता है बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो इनको जो है ग्रांट अधिक मिलता है उनके मुकाबले, जो है इनको ग्रांट यानी कि जो पैसा होता है वो अधिक मिलता है, ग्रांट अधिक मिलता है, ठीक है, पैसा इनको अधिक मिलता है क्योंकि केंद्र सरकार से रिलेटेड है और केंद्र सरकार इनको जो है बहुत ज्यादा पैसा देती है। फिर उसके बाद क्या है कि इनको जो है अधिक ग्रांट मिलता है, इनसे ज्यादा इनको जो है ग्रांट मिलता है, यानी कि पैसा मिलता है, ठीक है, इनको इससे ज्यादा जो है पैसा मिलता है। फिर उसके बाद क्या है कि जो भी केंद्र यूनिवर्सिटी होती है, ठीक है, जो भी केंद्र यूनिवर्सिटी होती है, तो वो जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। मानव संसाधन, मानव संसाधन, साधन, मानव संसाधन विकास, ठीक है, HRD, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय जो होते हैं तो उनका जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, तो शिक्षा मंत्रालय ना लगा दीजिएगा, शिक्षा मंत्रालय नहीं होता है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव का विकास करना, इसमें क्या मानव का विकास, भाई विश्वविद्यालय क्या होता है, अपर शिक्षा होती है, तो अपर शिक्षा में लोगों का विकास ही तो होता है, तो इसीलिए मानव संसाधन विकास यानी कि विकास होता है उनका, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ये आपके एग्जाम में पूछा गया था, ज्यादातर बच्चों ने शिक्षा मंत्रालय मारा था, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाती है केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है, इस तरीके से ये हो जाती है केंद्रीय विश्वविद्यालय। कितने हैं? कुल 45 हैं पूरे भारत में। पूरे भारत की अगर बात किया जाए तो 45 है पूरे भारत में, 45 हैं। पहले तो 30 ही थे लेकिन 2009 के सेशन में 15 और बढ़ गए, तो कितने हो गए पूरे भारत में? 45 हो गए। उत्तर प्रदेश में 6 हैं, यूपी में। अब आपको याद हो जाएगा क्या, बताइए, भारत में 45 हैं और उत्तर प्रदेश में जो है
छह हैं। अभी बिल्कुल आपको याद करवा देंगे कि कौन कौन से छह हैं, ऐसा याद करवा देंगे, घोल के पिला देंगे कि आप कभी नहीं भूलोगे कौन सा केंद्रीय है कौन सा राजकीय है। ठीक है, पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। तो ये तो हो गए केंद्रीय, अब राजकीय कौन से होते हैं? ठीक है, इनकी स्थापना संसद के द्वारा की जाती है और इनकी स्थापना जो होती है विधानसभा, ठीक है, विधानसभा करती है इनकी स्थापना, विधानसभा यानी कि राज्य, राज्य, ठीक है, विधानसभा या राज्य के अधिनियम के अंतर्गत होता है, राज्य के अधिनियम, ठीक है, राज्य के अधिनियम के आधार पर, ठीक है, यानी कि इनकी स्थापना जो होती है वो राज्य करवाता है, इनकी स्थापना राज्य करवाता है और इनकी स्थापना केंद्र करवाता है। ठीक है, अब ये जो है इनको ग्रांट कम मिलता है, इनको ग्रांट कम मिलता है, ठीक है, ये हो गया। अब जो है पूरे देश में, ठीक है, पूरे देश में क्या होता है, पूरे देश में 251, 250 मान लेंगे, 251 राजकीय हैं। ठीक है, पूरे भारत में यानी कि 251 यानी कि कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, 28 राज्य में 251 है कुल, ठीक है, 28 राज्य में 251 है कुल, जिसमें से, ठीक है, जिसमें से उत्तर प्रदेश में कितनी है, इसमें तो ये 45 में से 6 हैं, इसमें कितनी है, 19 हैं, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ी थी। सर हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, राजकीय विश्वविद्यालयों के बारे में पढ़ा था, ठीक है, राजकीय विश्वविद्यालयों के बारे में पढ़ा था, ये हमारी कितने 19 है। अब इसमें से 123 यूनिवर्सिटी को जो है, इसी में से 251 में से 123 यूनिवर्सिटी को जो है यूजीसी ग्रांट देता है, ग्रांट देता है, यानी कि जितनी राज्यसभा की, जितनी राजकीय यूनिवर्सिटियां हैं सबको यूजीसी जो है ग्रांट नहीं देता है। ठीक है, सबको जो है यूजीसी पैसा नहीं देता है, केवल केवल कुछ ही, यानी कि राजकीय जितने भारत में 250 हैं, 250 में से 125 यानी कि आधी यूनिवर्सिटी को यूजीसी पैसा देता है, अनुदान देता है, और बाकी यूनिवर्सिटियों को ये पैसा नहीं देता है। बाकी का कौन पैसा देता है, राज्य सरकार देती है, बाकी 123 को ये यूजीसी देता है। यूजीसी क्या होता है अभी हम लोग इसी के बाद देख रहे हैं, ठीक है, इसी के बाद यूजीसी भी समझेंगे क्या होता है। तो यूजीसी जो होता है इनको जो है आधी यूनिवर्सिटियों को पैसा देता है। ठीक है, तो ये हो जाती हैं कुछ राजकीय यूनिवर्सिटियाँ, यानी कि इन पर जो है राज्य के द्वारा खोली जाती हैं और ये केंद्र के द्वारा खोली जाती हैं। इनमें से जो है इनको डायरेक्ट जो है केंद्र सरकार डायरेक्ट पैसा मिल देती है, और इनमें जो राज्य राजकीय होती है इनको यूजीसी पैसा देता है, वो भी आधी को, यानी कि 125 को देता है यूजीसी, बाकी आधी को राज्य सरकार देती है। ठीक है, तो राज्य सरकार के पास उतना पैसा तो है नहीं, तो इसीलिए ये यूनिवर्सिटियाँ जो होती है इतनी ज़्यादा फल फूल नहीं पाती हैं जितना कि ये वाली यूनिवर्सिटी, केंद्रीय यूनिवर्सिटी, क्योंकि इनको अनुदान ज़्यादा दिया जाता है, इनको अनुदान उतना ज़्यादा नहीं मिलता, इसलिए उतनी ज़्यादा विकसित या उतने ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं हो पाते हैं यूजीसी। आगे है डिम्ड यूनिवर्सिटी, क्या होती है डिम्ड, डिम्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, डिम्ड विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, ठीक है, डिम्ड विश्वविद्यालय क्या होते हैं? देखिए डिम्ड का मतलब होता है सम, समकक्ष, ठीक है, जैसे हाई स्कूल के समकक्ष, इंटर के कम समकक्ष, वैसे होता है समकक्ष विश्वविद्यालय, यानी कि जैसे इसमें डिग्री ली जाती है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो इसमें क्या होती है, ये डिम्ड यूनिवर्सिटियाँ होती, यानी कि समकक्ष यूनिवर्सिटी होती, यानी कि इन यूनिवर्सिटी को इन या इन यूनिवर्सिटी के बराबर दर्जा प्राप्त होता है। क्या होती, वैसे देखिए ये यूनिवर्सिटियाँ तो मूल रूप से प्राइवेट होती हैं, क्या होती हैं, प्राइवेट, ठीक है, ये यूनिवर्सिटियाँ मूल रूप से प्राइवेट होती हैं, ठीक है, लेकिन क्या पहले पहले यानी कि जब इनका जन्म होता है तो ये प्राइवेट होती हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छा पढ़ाती हैं, यानी कि इनका स्तर जो है शिक्षा स्तर उच्च होता है, क्या होता है, शिक्षा स्तर उच्च होता है, ठीक है, इनका शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा होता है, यानी कि इनसे भी अच्छा होता है, ठीक है, तो इनका शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, एक बात। दूसरी चीज है, ठीक है, इन जो है इनको जो है यूजीसी, फिर यूजीसी आ गया, यूजीसी के द्वारा, ठीक है, इनको क्या करता है यूजीसी केंद्र सरकार से, ठीक है, यूजीसी क्या करता है, केंद्र सरकार से कहता है कि इनको जो है
डिम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दो, यानी कि जो प्राइवेट होती हैं इनको यह यूजीसी कहता है केंद्र सरकार से कि इनको जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी को जो है डिम्ड यूनिवर्सिटी यानी कि सरकारी कर दो, ठीक है, तो ये सरकारी हो जाती हैं, या कि यूजीसी ही कहता है किससे, इनसे राज्य सरकार से कि इसको जो है सरकारी कर दो, ठीक है, जैसा उसको उपयुक्त लगता है वो राजकीय या केंद्रीय यूनिवर्सिटी से कहता है तो वो हो जाती है, ठीक है। यूजीसी, फिर यूजीसी आ गया, यूजीसी की सलाह पर होता है ये, ठीक है। डीम यूनिवर्सिटी कैसे बनती है, यूजीसी की सलाह पर, यूजीसी की सलाह सलाह, ठीक है, यूजीसी जब सलाह देता है तभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है राजकीय डिम्ड यूनिवर्सिटी बन जाती है, और यूजीसी जब सलाह देता है तो वो जो है केंद्रीय जो है डिम्ड यूनिवर्सिटी बन जाती है, ठीक है। अब कौन सी यूनिवर्सिटी केंद्रीय बनेगी, केंद्रीय वो यूनिवर्सिटी बनती है जो पूरे देश में केवल एक प्रकार की होती है, ठीक है, पूरे देश में अगर एक प्रकार की यूनिवर्सिटी और वैसा कोर्स कहीं नहीं पढ़ाया जाता है तो वो केंद्रीय डिम्ड यूनिवर्सिटी बनेगी, और अगर वैसा कोर्स कहीं पढ़ाया जाता होगा, अच्छा यूनिवर्सिटी होगा, तो वो आपका राजकीय यूनिवर्सिटी बन जाएगा, ठीक है। इनका क्या होता है, शिक्षा बहुत उच्च किस्म की होती है, डिम्ड यूनिवर्सिटी में शिक्षा A1 प्रकार की होती है, इनका खुद का सिलेबस होता है, ठीक है, स्वयं का कोर्स होता है या सिलेबस होता है, इनका खुद का सिलेबस होता है, यानी कि ये खुद का सिलेबस पढ़ाते हैं और किसी का टीपते नहीं, इनका खुद का सिलेबस होता है, इनके स्वयं के जो है इनके स्वयं के एडमिशन लेने के और जो है फीस के इनके खुद के नियम होते हैं, यानी कि सरकार नियम नहीं बनाती है, केवल सरकार इनको बढ़िया केंद्रता की मान्यता दे देती है, इनकी खुद के नियम होते हैं एडमिशन के, फीस के, सिलेबस के, सब कुछ। इसका एक बढ़िया सा उदाहरण है जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस, कहाँ है, धनबाद में, धनबाद कहाँ है, झारखंड में। झारखंड में क्या होता है, बहुत सारी माइंस है, माइंस का मतलब खदाने, खदाने का मतलब जहाँ से कोयला निकाला जाता है, ठीक है, तो धनबाद में, ठीक है, धनबाद में बहुत सारी जो है कोयला की खदाने हैं, तो वहाँ पे एक विद्यालय भी खोला गया जहाँ पे ऐसी शिक्षा दी जाती है माइंस के विषय में, खदानों के विषय में, सारी की सारी शिक्षा खदानों के विषय में होती है। तो ये अपने प्रकार का एक ही विश्वविद्यालय है, ठीक है, और ये अपना अलग सा कोर्स पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, अलग सा कोर्स, क्या कि माइंस के विषय में, खदानों के विषय में पढ़ाई करवाता है। तो ऐसा करने वाला ये एकमात्र है, यानी कि ऐसा ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में नहीं। अब खदानों के विषय में यूपी का क्या जो है कोर्स होगा, कोई कोर्स नहीं होगा, इसीलिए यूपी में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये अपने आप का एक है, तो ये केंद्रीय डिम्ड यूनिवर्सिटी हो जाता है। तो ऐसे ही देश में बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं, ठीक है, ऐसी देश में बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ जिनको डिम्ड केंद्रीय यूनिवर्सिटी या डिम्ड जो है राजकीय यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है। ये अपना अलग सिलेबस चलवाते हैं, अलग ही इनका कुछ होता है, ठीक है, अलग ही। अभी यूपी का जब हम लोग पढ़ेंगे कितने डिम्ड यूनिवर्सिटी हैं केंद्र की, तो आपको विधिवत समझ में आएगा कि डिम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है, ठीक है ना, ये चीज़ हो गई, ठीक है, अभी देखेंगे इनको। फिर उसके बाद है कि अब बात आती है इनकी यूजीसी क्या होता है, यूजीसी क्या होता है, बार बार आ रहा है यूजीसी क्या होता है। यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसका मतलब होता है आयोग, इनका मतलब होता है अनुदान का मतलब पैसा, ठीक है, पैसा, और यूनिवर्सिटी का होता है विश्वविद्यालय, ठीक है, यानी कि विश्वविद्यालय को अनुदान देने वाला आयोग, विश्वविद्यालय को अनुदान देने वाला आयोग यानी कि विश्वविद्यालय को पैसा देने वाला आयोग होता है। ये क्या करता है, इसका काम क्या रहता है कि विश्वविद्यालयों को अनुदान देता है यानी कि पैसा देता है, जितने भी विश्वविद्यालय हैं तो ये यूजीसी क्या करता है, पैसा देता है, ठीक है, तो इनका काम ये होता है। तो ये क्या होता है, ये केंद्रीय सरकार के हैं, केंद्र सरकार का आयोग है, ठीक है, ये किसका आयोग है, ये केंद्र सरकार का आयोग है, किसका आयोग है,
केंद्र सरकार का आयोग है, ठीक है ना, ये केंद्र सरकार का आयोग है, यूजीसी। तो केंद्र सरकार का आयोग है। अब जैसे केंद्रीय यूनिवर्सिटी है, केंद्र सरकार डायरेक्ट पैसा देती है, और केंद्र सरकार ने यूजीसी बना दिया। क्यों बना दिया? कि जो भी राज्य सरकार, राज्य की यूनिवर्सिटियां हैं उनको पैसा देने के लिए, जो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटियां हैं, राज्य की जो बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटियां हैं उनको पैसा देने के लिए इन्होंने यूजीसी बना दिया है, ठीक है। तो ये केंद्र का आयोग है। इस समय इसके जो अध्यक्ष हैं इस समय, वो हैं धर्मेंद्र, ठीक है, धर्मेंद्र सिंह, ठीक है, ये इस समय जो है धर्मेंद्र सिंह है, डीपी सिंह कुछ नाम है, धर्मेंद्र सिंह, ठीक है। तो ये हो गए धर्मेंद्र, नहीं धीरेंद्र है, धीरेंद्र, धीरेंद्र, ठीक है, धीरेंद्र सिंह जो है इसके जो है इस समय अध्यक्ष हो गए। अब यही क्या करवाता है, एन नेट करवाता है, NET यानी कि नेशनल एलिबिलिटी टेस्ट। नेशनल एलिबिलिटी टेस्ट जब कराता है यूजीसी नेट, ठीक है, इसे ही कहा जाता है यूजीसी नेट। यानी कि ये क्या होते हैं, यूजीसी नेट जो पास होते हैं वो फिर इन राजकीय विश्वविद्यालय में या केंद्रीय विश्वविद्यालय में शिक्षक के तौर पर, ये प्रोफेसर के तौर पर ये शिक्षण कार्य करने जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया यूजीसी, समझ में आया होगा, ठीक है, तो समझ में आया होगा। अब केंद्रीय विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश की हम लोग बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कितनी है, 6 हैं आउट ऑफ 45, ठीक है, आउट ऑफ 45 ये 6 यूनिवर्सिटियां हैं कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। पहली कौन सी है, देखिए बाला, याद रखिएगा बाला, बाला, ठीक है, बाला रानी जी का, ठीक है, रानी जी का, ठीक है, याद रखिएगा बाला रानी जी का, रानी जी का बाला, ठीक है, बाला तो जानते होंगे कान में, रानी जी का, रानी जी के बाला। बी से हो गया बनारस यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी यानी कि BHU जिसे कहा जाता है, क्या, BHU कहा जाता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है, क्या कहा जाता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहा जाता है इसे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहा जाता है। ये आपकी जो है एक केंद्र सरकार की यूनिवर्सिटी है। फिर ए से हो गया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, AMU, ठीक है, AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम मुस्लिम विश्वविद्यालय, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो गया। एल से क्या हो गया, एल से हो गया लखनऊ का, ठीक है, लखनऊ में है ये, एल से हो गया लखनऊ में हो गया, कौन सा हो गया लखनऊ का, एल से लखनऊ में कौन सा हो गया, भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय, भीम राव अंबेडकर कर भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय ये कहाँ है, लखनऊ में है, ठीक है, कहाँ है, लखनऊ में, ठीक है। BHRU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये कहाँ है, बनारस में, बनारस में, और ये कहाँ है, ये तो अलीगढ़ में है, ठीक है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में है, अलीगढ़ में है, ठीक है, ये अलीगढ़ में है, ठीक है। अब उसके बाद ए से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, ये भी आपकी जो है कहाँ पर है, जो है इलाहाबाद में है, रानी, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई के नाम से है, रानी लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय यूनिवर्सिटी, ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गया। ये कहाँ पे है, ये झांसी में है, कहाँ है, झांसी में, तो ये आपका झांसी में हो जाता है, क्योंकि झांसी में कहाँ हो जाता, क्यों हो जाता है, क्योंकि रानी जी लक्ष्मीबाई कहाँ की थी, झांसी की थी, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की थी, झांसी की थी, तो ये हो गया। और फिर जी से क्या बना देंगे, राजीव, रानी राजीव, ठीक है, तो ये राजीव गांधी हो गए, राजीव गांधी, ठीक है, राजीव गांधी, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, विमानन विश्वविद्यालय, ठीक है, तो ये कहाँ है, रायबरेली में, रायबरेली, ठीक है। तो अब देखिए, ठीक है, कैसे याद रखेंगे, सारा कंफ्यूजन मिटा रहे हैं, बस ये बना था
1920 ईस्वी में, 1916 में, ये बना था 1916 में, ठीक है याद रखिएगा, ये बना था 1916 में। इलाहाबाद बनी थी 1887 में, ठीक है इसका सन भी याद रखिएगा। इलाहाबाद बना था 1887 में और ये बना था 1916 में, ठीक है 16 और 13 साल, ठीक है इतनी गैपिंग थी इसके बाद बीच में, ठीक है 29-30 साल की गैपिंग थी। तो ये बना था 1887 में और ये बना था 1916 में, तो ये पहले ये बना था इलाहाबाद। तो इलाहाबाद क्या हो गया, सबसे पुराना हो गया। इलाहाबाद क्या हो गया, सबसे पुराना, सबसे पुराना याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा, क्योंकि इलाहाबाद 1887 में बना था और ये BHU बना था 1916 में, मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो है इसकी नींव रखी गई थी। तो ये बना था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है सबसे पहले बनी थी। तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो गया, ठीक है। अब कन्फ्यूजन ये आता है, पहला उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो केंद्रीय कौन सा था, पहला वाला ये है, पहला केंद्रीय था, यानी कि इसको जो है केंद्र की मान्यता सबसे पहले मिली, यानी कि इन्होंने केंद्र सरकार ने इसको सबसे पहले अपना लिया था, केंद्र सरकार ने इसको अपने सबसे पहले अपना लिया था। अभी मैंने कहा था केंद्र सरकार ने पहले 30 थे, फिर 2009 में जो है क्या कहते हैं 15 और हो गए। तो केंद्र सरकार क्या होती, धीरे धीरे जो यूनिवर्सिटियाँ राज्य की होती हैं और अच्छी होते चली जाती हैं तो उनको ही दर्जा मिल जाता है, काहे का दर्जा मिल जाता है, केंद्र का दर्जा मिल जाता है। तो इसी तरीके से पहली यूनिवर्सिटी केंद्रीय यूनिवर्सिटी कौन सी थी, BHU थी, दूसरी कौन थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी, तीसरी कौन थी भीमराव अम्बेडकर लखनऊ वाली थी, चौथी कौन थी इलाहाबाद थी। ये सब लाइन से लिखा हुआ है, ठीक है बाला रानी का, ठीक है बाला रानी राजी हो गए, ऐसे रख लीजिएगा बाला रानी राजी हो गई, ठीक है राजी हो गई, ठीक है तो बाला रानी राजी हो गई, बाला रानी यानी कि रानी जी का नाम है बाला, तो बाला रानी राजी राजी हो गई बाला रानी, ठीक है। तो ये लाइन से है क्या, केंद्रीय सबसे पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कब हुआ, 2005 में, यानी कि बनी थी 1800 इसमें जो है क्या कहते हैं 87 में, 1887 में बन गई थी, लेकिन ये पहले राजकीय थी, फिर बाद में 2005 में आकर ये जो है केंद्रीय यूनिवर्सिटी हुई है, ठीक है। तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय था इलाहाबाद, लेकिन जो है चौथे नंबर पर जो है, चौथे नंबर पर इनका जो है केंद्रीय बनी जाकर, ठीक है सबसे पहली यूनिवर्सिटी, दूसरी केंद्रीय यूनिवर्सिटी, तीसरी केंद्रीय यूनिवर्सिटी, चौथी केंद्रीय यूनिवर्सिटी और ये केंद्रीय यूनिवर्सिटी है। तो इसका सन याद रखेंगे कब बना था, इसका ये शुरुआत से ही केंद्रीय यूनिवर्सिटी थी, ठीक है ये जब जन्मी थी तभी से केंद्रीय यूनिवर्सिटी थी। तो इनका और उत्तर प्रदेश का ये इलाहाबाद का जरूर याद रखिएगा, 87 में बनी थी और 2005 में ये केंद्रीय हो गई थी। अब आपके दिलो दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा, सबसे पुरानी इलाहाबाद, ठीक है तभी इलाहाबाद बोर्ड है वहाँ पे, क्या इलाहाबाद बोर्ड वहीं पर है, यूपी बोर्ड या इलाहाबाद बोर्ड कहाँ, इलाहाबाद, क्योंकि वो सबसे पुराना है, ठीक है लेकिन केंद्र सरकार का दर्जा बाद में मिला 2005 के सेशन में। तो इतना आपको इसमें बताना था, यानी कि ये केंद्रीय हो गई, ठीक है ये आपके केंद्रीय यूनिवर्सिटी हो गई, फिर उसके बाद है केंद्रीय हो गई, फिर उसके बाद केंद्रीय डिम्ड यूनिवर्सिटी, केंद्रीय डिम्ड यूनिवर्सिटी, डिम्ड यूनिवर्सिटी, केंद्रीय केंद्रीय डिम्ड यूनिवर्सिटी, पूरे उत्तर प्रदेश में चार हैं जिनको केंद्र का डिम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला हुआ है, यानी कि प्राइवेट से जो है सरकारी हो गई, केंद्र की हो गई, और ये है राजकीय डिम्ड यूनिवर्सिटी जो उत्तर प्रदेश में तीन है, यानी कि इनको राज्य का दर्जा मिल गया है, ठीक है केंद्र का दर्जा मिल गया इसलिए क्योंकि ये जो है देश में एक ही प्रकार की यूनिवर्सिटी है। जैसे देखिए भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान कहाँ है, इज्जत नगर बरेली में है, ठीक है ये डिम्ड यूनिवर्सिटी है, भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान, यानी कि यहाँ पर जो है पशुओं की चिकित्सा जो है सिखाई जाती है, यानी कि उसकी शिक्षा दी जाती है, पशुओं की शिक्षा दी जाती है, कहाँ है इज्जत नगर बरेली में है, ठीक है ये चीज़ याद करनी है। तो कैसे इसको कनेक्ट करेंगे, देखिए पशु पक्षी, ठीक है पशु पक्षी, ये कल हमने क्या इसको कनेक्ट किया था, बरैया से बर्र याद दिया, बर्र, ठीक है बर्र क्या होती जो काट लेती है, पीली पीली सी होती ना, काट लेती है तो आदमी के फूल आता है ना, तो कल हम लोगों ने क्या याद किया था
जो बरैया थी बर होती काट लिया तो उनके फूल आया, तो फूले हो गई, यानी कि ज्योतिबा फूले कहाँ है, बरेली में है, ये तो कल हमने याद किया था। 2-3 दिन उस चीज़ को रिवीजन किया करिए, नोट्स बना के उसका रिवीजन किया करिए। अगर 2-3 दिन तक का रिवीजन नहीं करेंगे तो उसे भूल जाएंगे, पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा, जीरो मतलब, ठीक है। तो एक दिन जो पढ़िए उसका 3-4 दिन रिवीजन करिए, तब जाके आपको हमेशा याद रहेगा। तो भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान कहाँ है, ये इज्जत नगर बरेली में, कैसे याद रखेंगे, बर बर से हो गया, बर यही जोड़ती है, यानी कि पशु पशु पक्षी हो गए, ठीक है, पशु पक्षी जीव जंतु, तो पशु पक्षी जीव जंतु कौन हो गए, बरैया तो हो गई, ठीक है, पशु पक्षी जीव जंतु बरैया हो गई, पशु पक्षी जीव जंतु वो क्या है, बरैया क्या है, एक पशु पक्षी जीव जंतु ही तो है। तो जब वो काट लेती फूल आता है तो जितनी इज्जत होती है इज्जत चली जाती है, क्या बरैया जब खा ले, मान लो कहीं जाना है फूल आया तो कौन सा मुंह लेकर जाएंगे, ठीक है ना, तो इज्जत चली जाती है, तो उस तरीके से इसको कनेक्ट कर देंगे। फिर है केंद्र, देखिए भारतीय लगा हुआ है, केंद्रीय लगा हुआ है, केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, ठीक है। अब देखिए पूरे देश में सबसे ज़्यादा पशुओं की संख्या कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, इसीलिए जो है पशु कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश में हो गया, केंद्रीय डिम्ड हो गया। और झारखंड में क्या था, वहाँ पे माइंस थी, खदाने थी, इसीलिए वहाँ पे वैसा, जहाँ जैसी जो है ज़रूरत होती वहाँ वैसी यूनिवर्सिटी हो जाती। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, यानी कि यहाँ पर तिब्बत यानी कि गौतम बुद्ध संबंधी जो है उपदेश दिया जाता, तिब्बत, देखिए अपने जो गौतम बुद्ध हैं, ठीक है, उनकी सबसे ज़्यादा जो है शिक्षा का प्रसार चाइना में हुआ है और तिब्बत में हुआ है, ठीक है, तो उन्हीं के शिक्षा का प्रचार प्रसार यहाँ पे होता है केंद्रीय तिब्बत। और तिब्बत ही किससे रिलेटेड हो गया, सारनाथ से, सारनाथ कहाँ है, काशी में है, यानी कि बनारस, ठीक है, बनारस, तो बनारस में है सारनाथ, तो ये बनारस हो गया, काशी हो गया, तो तिब्बत में क्या होता है, गौतम बुद्ध का सबसे ज़्यादा जो धर्म है वो तिब्बत में है, सबसे ज़्यादा धर्म गौतम बुद्ध का तिब्बत में है, और वो जो है क्या कहते हैं, इसीलिए सारनाथ में, और सारनाथ भी में गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, ठीक है, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, तो इसीलिए सारनाथ में ही जो है क्या कहते हैं तिब्बत का संस्थान है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे गौतम बुद्ध संबंधी जितना भी शिक्षण कार्य होता है वो दिया जाता है, गौतम बुद्ध ने भी अपना यहाँ पर पहला उपदेश दिया था। राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मोतीलाल प्रौद्योगिकी यानी कि ये भी जो है टेक्नोलॉजी का ही है, टेक्नोलॉजी यानी कि मशीनों का, तो दोनों ही कहाँ हो जाते हैं, डिम्ड यूनिवर्सिटी प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में, ठीक है, प्रयागराज में हो जाते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। टेक्नोलॉजी की 2 डिम्ड यूनिवर्सिटी हैं, केंद्र की 2 डिम्ड यूनिवर्सिटी हैं जो कि आपका कहाँ है, प्रयागराज में, ठीक है, तो प्रयागराज क्योंकि वो सबसे पुराना है, तो केंद्रीय प्रौद्योगिकी, एक तो मोतीलाल नेहरू, तो ये कैसे याद रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू का घर कहाँ था, इलाहाबाद में था, इसलिए मोतीलाल नेहरू का भी घर कहाँ था, इलाहाबाद में था, तो इलाहाबाद में उनके नाम से हो गया। और सूचना इन्फॉर्मेशन के ना टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी का भी याद रखेंगे, 2 ही डिम्ड यूनिवर्सिटियाँ हैं वो तो इलाहाबाद में है। फिर आगे है दयाल बाग राजकीय, देख लीजिए दयाल बाग डिम्ड यूनिवर्सिटी, 3 है पूरे उत्तर प्रदेश में राजकीय, दयाल बाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है, आगरा में, कैसे याद रखेंगे, बाग, बाग में क्या होता है, सूखे पत्ते होते हैं, पेड़ होते हैं, सूखे पत्ते होते हैं, वो सब में क्या होती, आग लग जाती बहुत जल्दी, यानी कि बाग में बहुत जल्दी आग लग जाती, बाग में बहुत जल्दी आग लग जाती है, तो बाग हो गया। फिर आगे क्या है, भात, ठीक है, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, तो संजय गांधी के नाम से कोई दूसरा तो है नहीं, तो इसी को किसी तरीके से लखनऊ से ऐड कर दीजिए, कैसे याद करेंगे, लखन लाल, लखन तो जानते होंगे, लखन किसको कहा जाता है, लक्ष्मण को कहा जाता है लखन लाल, ठीक है, तो लखन लाल की क्या है, जय, जय, ठीक है, संजय जय हो जाए, तो लखन लाल की क्या है, जय, लखन लाल की जय, जैसे राम की जय वैसे लखन की जय, तो लखनऊ से हो गया संजय जय, ठीक है, लखन लाल की जय। फिर है भात, भात खंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट, ये अपने प्रकार का स्पेशल है, तो भात से क्या रखेंगे, भात का मतलब चावल जो खाया जाता है, ठीक है, भात का मतलब हो गया चावल जो खाया जाता है, तो भात खंडे जो हो गया लखनऊ, यानी कि खान, खन, खन, यानी कि खाना, 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 खन से क्या याद रखिएगा, खन का मतलब खाना, 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 ठीक है, खनऊ, 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 यानी कि भात खाना, भात खाने में आता है, तो खन इसमें भी आ रहा खाना और भात, तो इस तरीके से ये आप 2-3 बार जब पढ़ेंगे और जो जो हमने बताया है वो सोचेंगे तो आपको बड़े आसानी से ये याद हो जाएगा, ठीक है। तो इतना तो रहा यूनिवर्सिटी के बारे में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।